नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमने एक बिल्ली को देखा, थोड़ी बीमार लग रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसको कुछ खाने को देते हैं। तो मैं अभी एक सामने के एक शामना सुपरमार्केट में जाकर बिल्ली के लिए मैं कुछ खाने को लूँगा और उसके बाद हम लोग उसको खाने को देंगे। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, हम लोग शामना सुपरमार्केट में जा कर के एक ट्यूना मील खरीदेंगे बिल्ली के लिए। तो जिस तरह हम लोग अभी अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सामने ही सैनिटाइज़र है रखा हुआ। तो ये अभी हर जगह कोविड के कारण मैंडेटरी कर दिया। मैंने पूछा कि ट्यूना मील कहाँ रखा हुआ है और मैं अभी अंदर जा कर के लेना चाह रहा हूँ एक ट्यूना मील। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स के ट्यूना मील एक्चुअली रखे हुए हैं और आप जैसे देख सकते हैं कि ट्यूना मील एक्चुअली एक ट्यूना फिश है और जो कि कैन के अंदर आता है। और यहाँ पर देखिए आप, सेंचुरी का है, जैस्मिन का है और यहाँ सेंचुरी का ट्यूना मील जो है हॉट एंड स्पाइसी भी है। तो हॉट एंड स्पाइसी तो शायद बिल्ली को अच्छा नहीं लगे तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और बाकी का जो वाइट मीट ट्यूना मील जैस्मिन का है, लेकिन ये सब क्या है, बड़ा चंक्स होता है, बड़ा पीस होता है। शायद मुझे लग रहा था कि बिल्ली इसे खा पाएगी, नहीं खा पाएगी। फिर मैंने सोचा, मेरा मन बदला, तो मैंने सोचा कि इसे क्वेल का एग दिया जाए या कोई और तरह का फ़िश जो है, कैंड फिश दिया जाए। तो मैंने वो भी कोशिश किया जैसे ये था, लेकिन फिर वो भी उतना सही नहीं लगा। तो मैंने फिर से मैंने कोशिश किया। मुझे एक्चुअली ट्यूना फ्लेक्स जो है, छोटे छोटे पीसेस में अगर वो ट्यूना मिल गया तो वो अच्छा था। तो मैंने वही लिया, सेंचुरी का ट्यूना फ्लेक्स। अब इसे हम लोग इसका पेमेंट करेंगे। तो इसका प्राइस जो है, उसमें जो प्रिंटेड था वो 350 फिल्स था। तो मैं वो स्क्रीन में भी बता दूंगा कि वो कितने का इंडियन रुपीज़ में है। और फिर मैंने उसका पेमेंट किया और उसे फिर मैं अब बिल्ली को देने जा रहा हूँ। मेरा बेटा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है बिल्ली के पास में। और अभी एक्चुअली शाम के करीब 7:30 बज गए हैं, तो हल्का अंधेरा भी हो गया है और इसलिए स्ट्रीट लाइट्स भी जल गए हैं। लेकिन बिल्ली वहाँ एक कार के पास बैठी हुई है, तो मैं अभी उसके पास तक जा रहा हूँ और मेरा बेटा उसको अभी वहाँ पर वेट कर रहा है, देख रहा है कि कहीं बिल्ली चली ना जाए। और वहाँ पर काफ़ी दूसरे कार्स भी पार्क्ड है और काफ़ी लोग वहाँ पर, दूसरे आसपास भी लोग मौजूद हैं। तो अब देखिए आप, बिल्ली अभी भी लेकिन वहीं पर बैठी हुई है, तो ये बिल्ली वहाँ से भागी नहीं। अब हम लोग उसको ट्यूना फ्लेक्स देंगे, देखते हैं दोस्तों कि वो खाती है कि नहीं, क्योंकि कई बार शायद बिल्लियों को कैंड फूड अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमें लगता है कि शायद बिल्ली खा ले। मेरा बेटा जब उसको देने लगा तो वो पहले तो बिल्ली भाग गई वहाँ से, और उसके बाद क्योंकि बिल्ली थोड़ा डर गई थी, और उसके बाद फिर जब मैंने उसको कहा कि थोड़ा पास जाके दे, फिर वहाँ ले जाकर उसने दिया और थोड़े पास रख दिया। और फिर मैंने बेटे को बोला कि वहाँ से तू अब वहाँ से हट जा, ताकि बिल्ली धीरे धीरे आकर के वो खाने लगेगी। उसके बाद जब उसको लगा कि सब सेफ़ है, तो बिल्ली धीरे से आकर के ट्यूना मील खाने की कोशिश कर रही थी। शुरू में तो वो सूंघ के देख रही थी और सोच रही थी कि खाना है नहीं खाना है, और वो अपने उसको अंदर खींच के ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में फिर वो धीरे धीरे करके ट्यूना मील खाने लगी। तो हम लोग फिर काफ़ी दूर हट के खड़े हुए थे और देख रहे थे। तो अभी भी देखिए बिल्ली पूरी तरह खाने नहीं लगी है, और यहाँ पर भी वो देख रही है, क्योंकि बिल्ली की एक आदत होती है कि पहले जो भी चीज़ वो खाती है उसके साथ थोड़ा खेलने की कोशिश करती है। एक कॉमन टेंडेंसी है बिल्लियों के साथ में। तो इस ट्यूना मील के साथ भी वो खेल रही थी, और उसके बाद वो अपने अंदर कहीं ले जाकर छुप के खाना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब वो ठीक से उसको ले जा नहीं पा रही थी। तो इसलिए फिर बाद में हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके वो बैठ करके वो फिर ट्यूना मील खाने लगी।
जब हम जब इवनिंग वॉक पे निकले थे तो हमने देखा कि बिल्ली काफ़ी भूखी थी, तो हमने उसको ट्यूना जो मील होता है वो खरीद के दिया है। तो बहुत अभी बिल्ली चाव से खा रही है। तो आज का वीडियो इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस वीडियो को देखा। तो बाय बाय।